पंजाब के बठिंडा जिले के कोठे इंदर सिंह वाला गांव का ये प्राइमरी स्कूल हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ टूटी हुई इमारत, बेरंग दीवारें और छात्रों की बेहद कम तादाद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ के टीचर राजेंद्र सिंह ने इस स्कूल की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। उन्हें नेशनल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज ऐसी कुछ भी नहीं करना। इसी तरह परनाला में पंकज कुमार गोयल को भी नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उनकी मदद से कई स्कूली छात्राओं ने स्कॉलरशिप हासिल की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन दोनों ही शिक्षकों को मिलाकर देश भर से 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित कर रही हैं। राजेंद्र सिंह साल 2015 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने और यहाँ की स्थिति को सुधारने के प्रयासों के बारे में बताते हैं। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनके साथ गाँव में गया। मैं सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक साथ बिठाता था और उनके माता पिता से उनसे सवाल पूछने को कहता था। या तो मैं खुद उनके पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल पूछता था। उनके माता पिता यह जान पाते थे कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर थे और उनका आत्मविश्वास भी ज़्यादा था। हम शिक्षा के बदले किसी भी तरह की फीस नहीं लेते थे। कुछ बच्चों के माता पिता ने तुरंत ही हमारे स्कूल में दाखिला करवाने का फैसला किया। मैंने कभी प्लम्बर या बढ़ई का काम नहीं किया था, लेकिन इस स्कूल में मैंने वो सब भी किया। हमारे पास कोई संसाधन या फंड नहीं था, इसीलिए शुरुआती तौर पर मैंने ही सब कुछ किया था। बेशक मेरा पहला उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना था, इसीलिए दिन के वक्त मैं बच्चों को पढ़ाता था और स्कूल के बाद मैं देर शाम तक दूसरे काम करता। मैं स्कूल किसी जेंटलमैन की तरह आता था, लेकिन जाते समय मेरी हालत मजदूर जैसी हो जाती थी। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि वे बेहद खुश हैं क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का पुरस्कार मिल रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, यह सब एक सपने की तरह है। मैं एक साधारण परिवेश से आता हूं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से पहचाना जाएगा। बरनाला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2016 से ही लड़कियों को पढ़ाने वाले पंकज कुमार गोयल कहते हैं कि कई लड़कियों को पैसों की तंगी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है, इसलिए उन्होंने लड़कियों को स्कॉलरशिप की तैयारी करवानी शुरू कर दी और इसके बेहतर नतीजे भी मिले। 8वीं तक शिक्षा फ्री है, लेकिन मैंने ये देखा कि उसके बाद कई माएँ अपने बच्चों के नाम कटवा देती थीं और उन्हें मजदूरी के लिए ले जाती थीं। 2016 में नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू होने के बाद मैंने लड़कियों को इसकी तैयारी कराना शुरू किया और 2022-23 में हमारे स्कूल की 14 लड़कियों ने परीक्षा पास की। एक लड़की ने तो पूरे पंजाब में टॉप किया। इस बार 2023-24 के सत्र में 18 लड़कियां परीक्षा में शामिल हुईं, जिनमें से 17 मेरिट लिस्ट में रहीं। उनमें से एक लड़की स्टेट टॉपर भी रही। पंकज गोयल लड़कियों को सोशल स्टडीज पढ़ाने का एक अनोखा तरीका भी अपनाते हैं। छात्रों को कई विषयों की बेसिक जानकारी नहीं होती है, जैसे कि सांसद और विधायक में फर्क क्या होता है। इसलिए हमने स्कूल में हेड गर्ल का चुनाव शुरू करवाया। अब बच्चों को पता है कि चुनाव क्या होते हैं, उम्मीदवारी क्या होती है, कैसे किसी को चुना जाता है और रिजल्ट कैसे आता है। इन सभी ने इन सारी प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया है और अपने अनुभवों से सीखा है। इसे सिखाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती।